थेरेपी एक ऐसी विधा है जब हमारे देश की आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही हो, ऐसे में एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली जिसको हम बहुत कम संसाधन खर्च करके और वो भी केवल बीमारी के कारणों को ही नहीं उसको जड़ से मूल में जाके जड़ में जाकर के रूट कॉज में जाकर के जो इलाज होता है, और ऐसी विधा को समर्पित हो गए हमारे आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी। वीन जी से अनुरोध करूंगा कि आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी के विषय में जो उन्होंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन रखी हुई है, आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी। मंच पर विराजित भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर, हम सबके प्रेरक भाई भैयाजी जोशी, न्यूरोथेरेपी विधा को जन सामान्य से विश्वविद्यालय तक ले जाने वाले आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी, मंच पर उपस्थित चांसलर साहब श्रीमान मिलन पारिक जी, उपस्थित बंधुओं और बहनों, ये मेरे जीवन का भी सौभाग्य रहा कि मुझे न्यूरोथेरेपी के जनक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी से न केवल मिलने का अवसर मिला बल्कि उनकी साधना स्थली मुंबई के ठाणे से सुदूर एक हरे भरे स्थान पर, वहां पर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भी भाग लेने का अवसर मिला। और जब मैंने ये महसूस किया कि वाकई में ये एक ऐसी अद्भुत विधा है, बल्कि अब तो वर्षों के अनुभव के बाद मैं ये कह सकता हूं, और भैया जी जोशी जी के आदरणीय के ध्यान में ये लाना चाहूंगा कि डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ने अगर और कहीं जन्म लिया होता तो शायद अब तक नोबेल प्राइज उन्हें समर्पित हो गया होता। एक ऐसी अद्भुत विधा मैंने स्वयं ने देखा। पहले वार्षिक उत्सव पर जब मैं गया, एक युवा आया था कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से पीड़ित, अस्पताल में इलाज करा चुका था, अस्पताल की जाने माने अस्पताल की रिपोर्ट साथ में थी, और जब वो डॉक्टर लाजपत राय जी मेहरा की शरण में आया, चिकित्सा का काफी लंबा क्रम चला, और डॉक्टर लाजपत राय मेहरा का आत्मविश्वास और अपनी उस विधा के प्रति उनका दृढ़ संकल्प देखिए, बाद में उसी युवा से कहा कि वापस उसी अस्पताल जाओ और अब अपना टेस्ट कराओ, वहां की रिपोर्ट क्या कहती है। इतना चैलेंज के साथ अद्भुत परिणाम देना, और उसके बाद तो अनेक बार मेरा दिल्ली में चाहे पार्लियामेंट में कार्यक्रम रहा हो, चाहे रिटायर्ड होम सेक्रेटरी भारत के उनकी बिटिया का इलाज मैंने देखा, एकदम हाथ पैर जकड़े हुए, उठ भी नहीं पाती थी, मात्र एक दिन के इलाज में उन्होंने उसे खड़ा कर दिया, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और न्यूरोथेरेपी एक ऐसी विधा है जब हमारे देश की आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही हो, ऐसे में एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली जिसको हम बहुत कम संसाधन खर्च करके और वो भी केवल बीमारी के कारणों को ही नहीं उसको जड़ से
मूल में जाके, जड़ में जाकर के, रूट कॉज में जाकर के जो इलाज होता है, और ऐसी विधा को समर्पित हो गए हमारे आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी, जिनके लिए मैं कहा करता हूं इतनी विलक्षण प्रतिभाएं इनकी, इतना चुंबकीय आकर्षक व्यक्तित्व है इनका। लेकिन मैं भैया जी जोशी जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि रामगोपाल जी ने मेहनत की, परिणाम लाए, इनको श्रेय मिलता है, किंतु पीछे श्रेय है ये सामने बैठी हुई इनकी श्रीमती कुसुम, जो मूक भाव से इनको बोले घर आने का टाइम क्या है, बोले मैं जब आया हूं घर पर वही मेरा टाइम है, डॉक्टर का कोई टाइम नहीं हुआ करता। और इनके व्यक्तित्व को मैं जानता हूं, अगर ये व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी को ज्वाइन कर ले लाखों करोड़ों रुपए के न्योरेवारे पर मंथ कर सकता है, पर अपने आप भैया जी जोशी जी से प्रेरणा लेकर के, क्योंकि प्रेरणा देने वाला एक व्यक्तित्व ऐसा तपा तपाया व्यक्तित्व था, और उसी की प्रेरणा काम करती है, क्योंकि स्वयं के जीवन में तपस्या और तप न हो और दूसरों को उस दिशा में भेजे तो वो प्रेरणा लगती नहीं है। तो मैं आज आचार्य रामगोपाल जी दीक्षित जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और उससे भी अधिक मैं ये भी कहूंगा भैया जी के लिए कि परम पारखी पुरुष तुम्हारे चैनों में ये चैन निराला, परम पारखी पुरुष तुम्हारे चैनों में ये चैन निराला, और दिव्य ज्योति से भरा हुआ सब नैनों में ये नैन निराला। है कोमल नवनीत हृदय से, है कोमल नवनीत हृदय से, पर प्रज्ञा से प्रखर बनाया, सब सुमनों में खिला हुआ है एक ये सुमन तुम्हारा, परम पारखी पुरुष तुम्हारे चैनों में ये चैन निराला। तो मैं अंत में पुनः इस न्यूरोथेरापी विधा के प्रति, इसलिए भी क्योंकि ये वो विधा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसका किसी भी प्रकार का हमारे जनता जनार्दन जो है इनके दो दिन पूर्व मनाए हुए जन्मदिन के उपलक्ष के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन स्वागत करें। मैं अभी अभी भैया जी जोशी जी से कह रहा था कि हमारी वर्तमान की केंद्र सरकार के अंदर अनेक मंत्री काम करते हैं, किंतु नितिन गडकरी जी का काम जमीन पर बोलता है, और उन्होंने जिस साहस और कर्मठता के साथ, जिस समर्पण के साथ कार्य किया है, मैं समझता हूं देश का एक एक नागरिक के दिलों में उनके लिए एक अद्भुत स्थान है। मैं अब लंबा समय इसलिए भी नहीं लूंगा, केवल इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि मैं आज के इस अवसर पर रामगोपाल जी दीक्षित जी का स्वागत, रामगोपाल जी दीक्षित जी का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से, और उसके साथ साथ इनकी सक्सेस का जो राज है, मैं बहन कुसुम दीक्षित को भी बुलाना चाहूंगा कि रामगोपाल दीक्षित जी की धर्म पत्नी अर्धांगिनी बहन कुसुम दीक्षित भी एक बार उपस्थित हो, और इन दोनों का हम सब मिलकर के, भैया जी जोशी जी के तो ये बच्चे हैं ये दोनों ही, और नितिन गडकरी जी का कितना आशीर्वाद है वो भी मुझे पता है, तो इस अवसर पर हम भाई रामगोपाल जी दीक्षित जी का और कुसुम दीक्षित जी का शॉल के द्वारा अभिनंदन करेंगे। थेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से, और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।